अगली खबर आपको बता दें कि जहां पर गांधी मेडिकल कॉलेज में अब 2 साल में बदलेंगे एचओडी। इस वक्त की खास और अहम खबर, गांधी मेडिकल कॉलेज में नई व्यवस्था लागू की गई है। कॉलेजों में अब 2 साल में बदल जाएंगे एचओडी। अधिकतम 2 साल ही रहेगा विभाग अध्यक्ष का कार्यकाल। वर्तमान एचओडी भी 2 साल तक काम कर सकेंगे। एचओडी का प्रभार रोटेशन वाइज बदला जाएगा। पहले नियमों के अनुसार नियुक्ति नहीं हो सकोगी। अब जीएमसी में छात्रा के सुसाइड के बाद ये फैसला लिया गया है। डॉक्टर बाला सरस्वती सुसाइड केस के बाद एचओडी को हटा दिया गया, डॉक्टर अरुणा को। और अब नया फैसला आया है कि अब 2 साल तक वर्तमान एचओडी जो है काम कर सकेंगे। प्रभार जो है उनको 2 साल के लिए मिलेगा। जो भी एचओडी बनकर आएंगे वे 2 साल तक काम कर सकेंगे। ये नई व्यवस्था गांधी मेडिकल कॉलेज में अब लागू की जाएगी। अधिकतम 2 साल ही रहेगा विभाग अध्यक्ष का कार्यकाल। एचओडी का प्रभार रोटेशन वाइज बदल जाएगा। जीएमसी में छात्रा के सुसाइड के बाद ये फैसला लिया गया है। और अब गांधी मेडिकल में एचओडी के पद पर जो भी कार्य करेंगे 2 साल तक कर सकते हैं। आपको बता दें डॉक्टर बाला सरस्वती केस में सभी जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर थे। 5 दिन हड़ताल करी, जिसके बाद चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने उनसे मुलाकात की और आश्वासन दिया कि आपकी बातें और आपकी मांगें सुनी जाएंगी। लगातार डॉक्टर अरुणा जो गायनेकोलॉजी विभाग की एचओडी थी उनको तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया। डॉक्टर बाला सरस्वती सुसाइड केस में उन पर गंभीर आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद डॉक्टर जूनियर डॉक्टर्स का जो 5वां दिन था हड़ताल का, उसके बाद मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने ये फैसला किया और उनकी मांगें सुनी। और अब जीएमसी में जो भी एचओडी के पद पर कार्यरत रहेंगे उनका कार्यकाल सिर्फ 2 वर्ष का रहेगा। उसके बाद रोटेशन वाइज कार्यकाल बदला जाएगा। और इस खबर पर हमारे साथ दीपक सिंह जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता, बात करेंगे। दीपक, जिस तरह से अब जीएमसी में एचओडी के पद पर जो भी कार्यरत रहेंगे उनका कार्यकाल 2 साल ही रहेगा, क्या अधिक जानकारी? देखिए, ये पूरा मामला हम जानते हैं कि डॉक्टर अरुणा कुमार को हटाने के लिए जो जूनियर डॉक्टर्स थे उन्होंने हड़ताल करी थी, उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। और ये देखने को मिला था कि जूनियर डॉक्टर थे उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया था कि जो विभाग अध्यक्ष थी उन्होंने लोगों को प्रताड़ित किया था। कई लोगों ने उनके उनके व्यवहार के चलते अपनी पढ़ाई मेडिकल अपने अपने मेडिकल की पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी। और इसके अलावा ये भी सामने आया था कि डॉक्टर अरुणा का द्वारा व्यक्ति सामने आया था कि वो मानसिक से प्रताड़ित करती थी, तानाशाही दिखाती थी, वो बदला लेने की प्रवृत्ति से काम करती थी। इसके बाद ये जब मामला सामने आया, इसके बाद जिस तरह से जुड़े डॉक्टर हड़ताल की साफ तौर पर कहना था कि इस बात की निष्पक्ष जांच की जाए, और इसके चलते जो एचओडी थी उनको हटा दिया गया है। और उसके बाद ये नए नियम बनाए गए हैं कि इस तरह का मामला, इस तरह के किसी भी मामले की पुनरावृत्ति ना हो। जिस तरह से यहाँ पे एचओडी रहते हैं किसी विभाग के, अगर वो काफी लंबे समय तक रहते हैं तो अपनी तानाशाही ना किसी में दिखा पाए, अपने पद का दुरुपयोग ना कर पाए। इसके चलते जो नई व्यवस्था लागू की गई है, इसके चलते अब जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे जो विभागों के एचओडी रहेंगे वो हर 2 साल में चेंज होंगे या बदले जाएंगे, जिसके चलते अगर उनका कार्यकाल 2 साल का रहेगा तो उनसे लोग किस तरह की शिकायत नहीं आएगी, वो अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे और अपने पद का दुरुपयोग नहीं कर पाएंगे। ये पूरी व्यवस्था इसलिए की जा रही है ताकि अगर इस तरह की किसी मामले की पुनरावृत्ति न की जाए। और जिस तरह से भी मामले ने तूल पकड़ लिया था, इसकी गूंज केंद्र तक जा पहुंची थी, इन मामलों को यहीं पे निपटाया जा सके और किसी तरह की शिकायत देखने को ना मिले, खासतौर से जूनियर डॉक्टर को, क्योंकि डॉक्टरों के हड़ताल के आने से हमने देखा कि जो व्यवस्था थी मेडिकल की पूरी व्यवस्था चरमरा गई थी, मरीजों को काफी तकलीफ का सामना करना पड़ा था। और इसके बाद चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने मामले में आके इसकी जांच की थी और डॉक्टर अरुणा को हटाने के निर्देश दिए थे। और अब ये जो नई प्रणाली की बात की जा रही है, इसीलिए है कि किस तरह की मामले की पुनरावृत्ति न की जाए। बहुत शुक्रिया दीपक आपका इस खबर पर जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।